गणतंत्र दिवस मुख्यमंत्री ने कमांडो की बाइक पर बैठकर लगाया परेड ग्राउंड का चक्कर। बाइक पर बैठे सीएम मनोहर लाल खट्टर। भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फहराया तिरंगा। जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम मनोहर लाल। भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फहराया तिरंगा। पूरे ग्राउंड का बाइक पर बैठकर लगाया चक्कर। भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फहराया तिरंगा। सीएम को बाइक पर देखकर जनता में दिखा जोश। भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फहराया तिरंगा। भिवानी 70वें गणतंत्र दिवस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर एक अलग अंदाज में नजर आए। भिवानी पहुंचे सीएम ने कमांडो डेयर डेविल शो की बाइक पर परेड ग्राउंड का चक्कर लगाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। जनता भी सीएम को इस अंदाज में देकर जोश से भरी थी। कुछ लोग इसका वीडियो बना रहे थे तो कुछ सीएम की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन कर रहे थे। भिवानी के भीमखेल परिसर में सीएम ने राष्ट्र ध्वज फहराकर स्वतंत्रताओं सेनानियों व युद्ध वीरांगनाओं को शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया। उन्होंने भिवानी के मेडिकल कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा के नाम पर रखने की घोषणा भी की। समारोह के संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री ने भिवानी जिले के लिए 83,26,61,000 रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे यह बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज हरियाणा विकास के मामले में सर्वाधिक विकसित राज्यों में से एक है। हमने 115 अंत्योदय सरल एवं 4,000 से अधिक अटल सेवा केंद्र खोले हैं, जहां एक ही छत के नीचे सभी सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां इन केंद्रों के माध्यम से 485 योजनाओं और सेवाओं को एक क्लिक से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। समारोह में शामिल हुई ये झांकियां। गणतंत्र दिवस समारोह में शिक्षा विभाग द्वारा सक्षम हरियाणा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी बचाओ, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान भारत जनवरी आरोग्य योजना, वन विभाग द्वारा पौधारोपण, कृषि विभाग द्वारा मृदा स्वास्थ्य मेरी फसल मेरा ब्यौरा, आयुष विभाग द्वारा प्राचीन व आधुनिक आयुर्वेद उपचार की विधि, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी द्वार सरल केंद्र, नवीन एवं नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा सौर ऊर्जा, सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई से संबंधित, बागवानी, बिजली निगम द्वारा म्हारा गांव जगमग गांव बिजली माफी योजना, जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा जल संचयन, अग्रणी बैंक द्वारा डिजिटल साक्षरता, नगर परिषद वचो बंसीलाल विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से और जिला उद्योग केंद्र और GBTM द्वारा छोटे व मध्यम उद्योगों की जानकारी झांकियों के माध्यम से दी जाएगी।